हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारा वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। अगर आप न्यूली मैरिड हो, आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। यू नो, समटाइम्स न्यूली मैरिड्स को भी किसी की मैरिज अटेंड करने में जाना होता है, तो ये ब्यूटिफुल सी बहुत ही प्यारी वाली लुक आप क्रिएट कर सकते हो बहुत ही ईजिली। और आजकल जो नए ट्रेंडिंग में मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सभी मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मेकअप के लिए स्किन को पहले प्रेप करूँगी। यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का रोज हिप फेस सीरम लिया है, रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेशन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्किन का जो टेक्सचर है उसको बहुत स्मूथ आउट करता है। डेफिनेटली सर्दियों में आपको ये गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। उसके बाद मैं प्राइमर अप्लाई करूँगी। प्राइमर के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का फ्लॉलेस मॉइस्चर प्राइमर विद अमीनो। ये क्योंकि एक मॉइस्चर प्राइमर है, विच मीन्स कि ये अभी जो वेदर चल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा स्किन हमारी ड्राई हो रही है, उस वेदर में ये बहुत अच्छा प्राइमर है। एक तो स्किन को स्मूथ आउट करता है प्राइमर के जो काम होता है बेसिकली, बट उसी के साथ बिकॉज इट हैज़ दैट मॉइस्चराइजेशन एंड नरिशमेंट, यू नो, तो अगेन आपकी स्किन को ये हाइड्रेट करेगा, प्रेप करेगा। बेसिकली मेकअप से पहले हमें जो प्रेपरेशन चाहिए वो कंप्लीट हो जाती है। एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस जूसी ड्यू ड्रॉप्स लूँगी मैं, एंड ये प्रोडक्ट को ना यूज़ करना मैंने अब सीखा है। इसको मैं पहले अप्लाई करती थी तो इसमें जो यू नो ग्लिटर्स है ना, चंक है, वो बहुत ही बुरे लगते हैं, बट अंडरनीथ मेकअप ये बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है। स्पेशली अगर आप एक मॉइस्चराइजर के ऊपर इसको अप्लाई करोगे तब जाके ये अपना काम करेगा। लाइक इसको आप बेयर स्किन के ऊपर विदाउट मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई कर सकते हो, तब ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है स्किन को। लाइक इट हैज़ विटामिन सी, तो ये ग्लो प्रोवाइड करता है स्किन को। उसके बाद मैं इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर लूँगी। ये है एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड कैरमल, मेबलिन का ही ये, और बस मैंने ना कलर करेक्शन की है इसी कंसीलर के साथ क्योंकि ये हल्का सा येलो टोन में है इस वजह से। और अपनी ब्यूटी ब्लेंडर को मैं पहले डैम्प कर लिया था, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा स्प्रे किया इसके ऊपर मैंने सेटिंग स्प्रे। आप कोई भी सेटिंग स्प्रे ले सकते हो। मैंने यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन की ली है हाइड्रेशन वाली H2O सेटिंग स्प्रे, अच्छा जी, हाइलोरोनिक एसिड वाली, यस। तो मैंने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, बेसिकली कैंसल आउट कर लीजिए जितनी डार्कनेस है। अब हम पूरे फेस के ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। मेलानी का कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन लिया है, टैन हेल 09 टैन हेल मेरा शेड है, और फिर डॉट डॉट करके पहले अप्लाई करके फिर मैं प्रॉपर अपने पूरे फेस के ऊपर अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर। आप इस फाउंडेशन को चाहे तो यू नो ब्रश के साथ ब्लेंड करो, चाहे आप अपने हाथों के साथ ब्लेंड करो, चाहे आप एक फ्लॉलेस फिनिश के लिए ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करो। अगर आप एक ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट कर लेते हो, आपका मतलब बहुत सारा मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हो जाता है। स्पेशली बेस मेकअप, लाइक अगर आपका क्रीम कॉन्टोर, क्रीम ब्लश, पाउडर अप्लाई करना है तो भी हर चीज़ आपकी अप्लाई हो जाती है। यू कैन सी अभी मेरे प्रॉपर फेस जो है, मेरे जो एक्ने मार्क्स वगैरह बेसिकली वो कवर हो चुके हैं। अब हम लेंगे ये एल्फ का कंसीलर, दिस इज 16 आवर कैमो कंसीलर इन दी शेड ऑलिव, डार्क ऑलिव और डीप ऑलिव। इसको मैं ना एज अ बेस यूज़ कर रही हूँ अपनी अंडर आई एरिया के पास। अच्छा, क्योंकि मैंने एक लाइट हाइलाइटिंग कंसीलर अप्लाई करना है, तो उससे पहले अगर मैं बेस नहीं बनाऊंगी ना, तो मेरा जो लाइट कंसीलर है वो ऐशी दिखेगा। जब भी आपने हैवी मेकअप करना है, बेस मेकअप, तभी आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। एवरीडे मेकअप में आप इन चीज़ों को टोटली स्किप कर सकते हो, बट जब अच्छे से मेकअप करना है तब आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे ना इनसाइड का HD लाइट कंसीलर लिया है MN30 शेड में, MNY30। तो इसके साथ ना मैं ये थोड़ा सा हाइलाइटिंग भी है और समहाउ मेरी स्किन के यू नो कॉम्प्लेक्शन के साथ काफ़ी क्लोज शेड है ये, तो बस इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब लूज़ पाउडर लिया है मैंने शुगर का, ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है, ये मार्स का लूज़ पाउडर है, बहुत फाइनली मिल्ड लूज़ पाउडर है एंड कोई वाइट कास्ट नहीं देता है। मामाअर्थ का ग्लो ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट लूँगी विद विटामिन सी, एंड इसमें 03 मेरा शेड है, और पूरे फेस को मैं इसी कॉम्पैक्ट के साथ सेट करने वाली हूँ। अच्छा, कॉम्पैक्ट के साथ सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए, चाहे आप लूज़ पाउडर के साथ सेट करो, चाहे कॉम्पैक्ट के साथ सेट करो, ठीक है। और लूज़ पाउडर जो मैंने लूज़ पाउडर लगाया था अपनी अंडर आई एरिया के पास, उसको
मैं थोड़ी देर के लिए वहीं पे छोड़ दूंगी। और फिर मैंने ब्लश ली है मार्स की ये फेस पैलेट में से, और यहाँ पे ना लाइट चली गई थी, तो मतलब जो इन्वर्टर के ऊपर लाइट चल रही है बस उसी के साथ मैंने मेकअप अपना किया है थोड़ा सा। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का डबल एक्स ब्रॉन्जर इन द शेड कमांड, एंड दिस इज़ माई करंट फेवरेट, यू गाइज नो वेरी वेल, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जब से मैंने परचेज़ किया बेसिकली। और हमेशा ब्रॉन्जर जो है ना माथे के ऊपर ना, अगर आपका थोड़ा सा फोरहेड मेरे जैसे है, ब्रॉड है बेसिकली, तो ज़रूर से अप्लाई करो, आपका मेकअप एकदम नेचुरल दिखता है जब आप ब्रॉन्जर अप्लाई करते हो। आज ना मैंने नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए बहुत ही छोटा ब्रश लिया है, इसके साथ ना नोज़ कॉन्टोरिंग ईजी हो जाती है, काफ़ी मतलब प्रिसाइसली हो जाती है। और मैंने ना बस उसको फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया, और लूज़ पाउडर को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। अब हाइलाइटर लिया है मैंने सेम ही पैलेट में से, एंड इसको मैं अप्लाई करूँगी। और मुझे ना ये मार्स की ब्लश पैलेट इतनी ज़्यादा पसंद है, इसमें आई थिंक 02 शेड है मेरा, दिस इज़ परफेक्ट फॉर यू नो ब्राइड्स, परफेक्ट फॉर इफ़ यू आर प्रोफेशनल देन यू कैन यू नो परचेज दिस, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे शेड्स मिल जाते हैं, हाइलाइटर के भी 2 शेड आपको मिल जाते हैं, ब्रॉन्जर के मिल जाते हैं, सो ऑल इन वन पैलेट है ये। और मैंने हाइलाइटर आज कुछ ज़्यादा लगाया, और फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर लिया है। यू कैन सी ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छे से काम आता है हर जगह पे। अब मैं आईब्रोज फिल करूँगी, और आईब्रोज के लिए मैंने लॉरियल की ब्राउ एक्सपर्ट ली है, यस ब्राउ एक्सपर्ट जीनियस किट, ये बहुत पुरानी मेरी आईब्रो पैलेट है, लाइक 3 साल पुरानी। इसमें से ये पाउडर के साथ मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। मैंने ये नोटिस किया है जब भी आप आईब्रोज को पाउडर की हेल्प से यू नो फिल करते हो ना, बहुत ही कंट्रोल रहता है आपका। उसके बाद फिर मैंने रेवोल्यूशन की रिलोडेड वेलवेट रोज़ आई शेडो पैलेट लेके, और इस आज ना मेरा इसको यूज़ करने का मन था, दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट आई शेडो पैलेट जब मैंने चैनल शुरू किया था तब लिया था इसको। एंड इसमें से मैंने बस डार्क ब्राउन शेड लेके थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लिया है, पहले प्लेस किया आई शेडो को, फिर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। फिर हम लेंगे डार्क ब्लैक शेड सेम पैलेट में से छोटे ब्रश के साथ, जिसके साथ मैंने नोज़ कॉन्टोरिंग की थी ना उसी ब्रश को लेके मैंने ब्लैक आई शेडो को लेके अपने आउटर कॉर्नर पे इसको पहले प्लेस करूँगी, और फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर उसी सेम फ्लफी ब्रश के साथ हम ब्लेंड कर देंगे। एंड ब्लेंड कब तक करना है अपने आई शेडोज़ को, जब तक जो आई शेडोज़ हैं वो सीमलेस नहीं दिखते हैं, कभी भी एक लाइन नहीं दिखनी चाहिए। ब्लेंडिंग इज़ द की फॉर अ गुड आई मेकअप, फॉर अ गुड मेकअप ओवरऑल। आप महंगे से महंगे आई शेडो पैलेट ले लो, जब तक आप ब्लेंडिंग नहीं सीखते हो ना तब तक आपके आई शेडो लुक अच्छी नहीं आ सकती है। अच्छा आज मैंने कोई कट क्रीज नहीं की है, बस मैंने ये ना गोल्डन शेड लेके बस ब्यूटी ब्लेंडर क्या मैं ब्यूटी ब्लेंडर बोल रही हूँ बार बार इस फ्लैट ब्रश के साथ बस कट क्रीज के जैसे बस इस आई शेडो को प्लेस कर दिया है। अब ना मैं थोड़ा डार्क शेड लगा रही थी, तब मेरे दिमाग में आया कि हल्का सा फॉल आउट अगर हो गया तो मेरी आई लुक खराब हो जाएगी, तो मैंने थोड़ा लूज पाउडर फिर से लगा लिया है वही मार्स वाला, और फिर मैंने ब्लैक आई शेडो लेके बेसिकली अपनी अपर एंड लोअर लैश लाइन को हम थोड़ा मैच कर रहे हैं, ठीक है जी। और फिर फ्लफी ब्रश लेके इसके ऊपर मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, जस्ट जो था इसमें रेजिड्यू उसी के साथ हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। और फिर मैंने ना सेटिंग स्प्रे लेके ना थोड़ा सा बिल्डअप किया है जो गोल्डन शेड लगाया था, इसके साथ इंटेंसिटी भी हो गई है इसकी, क्योंकि ब्रश को जब वेट कर लेते हैं ना डैम ब्रश के साथ ज़्यादा हमारी आई शेडोज अच्छे से लगते हैं, मेटेलिक लुक भी आ जाती है। और फिर मैंने काजल लेके वाटर लाइन में एंड अपर लैश लाइन में हम इसको फिल कर लेंगे, टाइट लाइन किया है बेसिकली। फिर मैंने बेटर देन सेक्स टू फेस्ट का मस्कारा लेके अब आई लैशेज को कोट कर लेंगे, एंड उसके बाद फिर मैंने ना रिमूव कर दिया था अपना, और तब तक लाइट भी आ गई थी जब तक मैंने फॉल्स आई लैशेज लगाई, तो फॉल्स आई लैशेज लगा ली हैं मैंने मैग्नेटिक वाली, अभी वैसे ये ख़राब हो चुकी, काम चलाऊ ही हो रहा है। और उसके बाद फिर मैंने ना उनको थोड़ा सा आई लाइनर लगाया है बेसिकली लैश बैंड को छुपाने के लिए, नॉट छुपाने के लिए मतलब उसको इवन आउट करने के लिए। लिपस्टिक के लिए सबसे पहले मैं लिप लाइनर लूँगी, जेल लाइनर फ्रॉम एले गर्ल का, ये फिगी शेड है इसमें मेरा। एंड उसके बाद फिर मैंने लिपस्टिक के लिए है वाइनल इंक फ्रॉम मेबलिन इन द शेड विटी, और इस लिप शेड को आज मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया,
जब से मैंने ली है ना तब से मैंने आज ही इसको यूज़ किया एंड बाई चांस ही मैंने यूज़ किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं इसको ट्राई करके देखते हैं। बट जो शीन थी ना इसकी जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी इस लुक के साथ, वो मुझे काफ़ी प्यारी लगी। सो दिस इज़ ओवरऑल माई कम्प्लीटेड फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस, टेक केयर।